हेलो वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आज दोनों कीमती धातुओं में भारी बदलाव देखने को मिला और इसी के साथ में यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से सोने और चांदी को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने सोने और चांदी को लेकर बड़ा नियम लागू कर दिया है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या फिर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर सरकार का बड़ा नियम लागू हो चुका है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हो जानते हैं आज की तीन बड़ी खबरों के बारे में। चलिए तो पहली बड़ी खबर है कि सस्ते में मिल रहा है गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी सेट, 30-40% का बड़ा डिस्काउंट। जी हाँ, अगर आप भी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 30-40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है। लगभग यहाँ पर 100 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट मौजूद है। अगर आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए तो बड़ी खबर है कि 22 कैरेट का बताकर 18 कैरेट का गोल्ड बेचना, अब ज्वेलर्स को पड़ेगा भारी। लागू हुआ यह नियम। जी हाँ, देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सोने के गहनों पर भी लागू हो चुका है और इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद अब अगर ज्वेलर्स ने आपके साथ धोखाधड़ी की तो सख्त कार्रवाई होगी। आपको अगर 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरेट का सोना बेचा तो ज्वेलर्स को जुर्माना या जेल भी हो सकती है। ग्राहकों के साथ हो रही ठगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए कानून लेकर आई है। सोने के आभूषण और कला कुर्तियों के लिए हॉलमार्किंग की व्यवस्था भी अब देश में 15 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी। नया उपभोक्ता कानून लागू हो जाने के बाद अब हॉलमार्किंग के नियम का पालन करना होगा और सख्त हो जाएगा, यानी कि अब ग्राहकों को धोखा देना भारी पड़ सकता है, जेल या जुर्माना दोनों हो सकती है। चलिए तो बड़ी खबर है कि सोना 52,000 के करीब की रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चांदी की चमक भी बढ़ी। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में आज भारी तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती की वजह से आज फिर से भारतीय बाजार में गोल्ड ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपको बता दें कि वायदा बाजार में सोने का भाव 51,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि अमेरिका चीन के बीच में बड़े तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातु में मजबूती देखने को मिली, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ने लगा और इसी के साथ में दुनिया पूरी संकट के दौर से गुजरते जा रही है। निवेशक कम जोखिम वाले इन कीमती धातु में निवेश तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। वही कीमतों की बात करें तो आज चांदी के भाव में 3,490 रुपए की बड़ी तेजी देखी गई, जिसके बाद चांदी का भाव 64,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही सोने की कीमतों की बात करें तो आज सोने के भाव में 840 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिले, जिसके बाद सोने का भाव 50,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव में अनिश्चितता है, यानी कि दोनों कीमती में भारी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अगर आप भी सोने और चांदी के भाव से अपडेट रहना चाहते हो तो गोल्डन बेस से जुड़े रहें।